How many of you heard the word called Lehman Brothers? बैंक लीडर नहीं थे, ये बड़ी बैंक हुआ करती थी, बहुत बड़ी बैंक और ये हाउसिंग बैंक थी। चालू कैसे हुआ? 2000 में जो ये दुबई जो एरिया है ना, यहाँ पे बड़ा तेल निकलता था और इन्होंने यहाँ क्या हो गया, नया शेख है, नए बंदे ने नए कुआ खुदा, नया पैसा आ रहा है, उस पैसे का करे क्या, बिलियंस ऑफ मनी दुबई में थे। इन्होंने क्या किया, अप्रोच किया दुबई के जो शेख है, उन्होंने किससे अप्रोच किया, अमेरिका की बैंक से, यार पैसा पड़ा भाई 20 पैसा दे देना, बोले हमको कुछ तो पैसा बढ़ेगा ना ये सोच के, और बिलियंस ऑफ मनी है, तो यूएस ने बोला दे दो, बैंक से ले लिया यूएसए के। अब बैंक का जो पैसा आ गया, बैंक का काम क्या बनता है, बैंक का पैसा रिप्रोड्यूस होता क्या पड़े पड़े, नहीं होता, वो होता है जब हम किसी को देते हैं तब, पड़ा ना मनी और क्रेडिट में। अब किसी को पैसा देता हम लोग, अब बैंक से कोई लोन लेगा क्या, ऐसे नहीं ले रहा है, तो लोन्स के लिए इन्होंने अलग अलग स्कीम्स निकाली, बंदे ले लिए, आ जाओ भाई जॉब दे दिया अच्छे अच्छे लोगों को, लोगों ने जॉब ले लिए, नए नए कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इनको बोला तुम लोन दिलाओ तुमको इतना सा पैसा देंगे। अब ये नए बच्चे थे, हर एक गए सर लोन चाहिए, सर लोन चाहिए, लोन चाहिए। अब 10 में से 9 बंदे बोलते हैं हाँ चाहिए, बोलता है हर आदमी, बोले डॉक्यूमेंट, बोले कुछ नहीं चाहिए बस आप आ जाओ। वो अपना कंपनी का आईडी कार्ड ले जाते, कुछ भी वोटिंग कार्ड, कुछ भी नाम पे, वो ही नहीं देख रहा कि आपके आईटी रिटर्न्स कैसे हैं, क्या चल रहे हैं, कुछ नहीं, डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। अब लोग लोन किस पे लेते हैं, 3 चीज़ों पे लोन ले रहे हैं, पहला घूमने के लिए, घूमने वाला पैसा एक बार हजम तो हजम, आपने देखा होगा स्कूली पिकनिक जाती है, दोस्त पे पैसा खर्च करते हैं, दोस्त बोलता दे दूंगा, दोस्त बाद देता गया तो लोग देने वाले हैं यहाँ पर नहीं। दूसरा उन्होंने करे व्हीकल्स, कार्स वार्स खरीदे, और तीसरा जो था वो सबसे बड़ा मार्केट जो था वो था हाउसिंग मार्केट, सबसे ज्यादा पैसा लोगों ने हाउसिंग मार्केट में लिया। अच्छा, ऐसा काम अकेली एक बैंक कर रही है क्या, ऐसी बैंक के भी कॉम्पिटिशन लगे हैं, तो कई बार तो ऐसा हुआ कि एक एक घर के ऊपर 3-3 बैंक का लोन है, ये बैंक को पता नहीं था। अब हो कैसा गया, धीरे 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 वॉर का प्रेशर बैंक्स पे आने लगा, मार्केट चेंज होने लगा, और बैंक ने जो इनिशियल रेट पे इनको इंटरेस्ट दिया था, मैं एग्जांपल देता हूँ, 4% पे समझो इनको दे दिया होगा, आपको पता है 4% तो डिपॉजिटर को मिलता है। अब लोगों ने क्या किया, ले लिया, अब इन्होंने बैंक ने धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ाते बढ़ाते 11% पे ले गए, क्योंकि बैंक पे प्रेशर आने लग गया, अभी वॉर का प्रेशर है, बाकी चीज़ों का प्रेशर है। अब ये जो लोग थे इन्होंने सारे सारे लोन बुढ़ाने शुरू कर दिए, अब बैंक चली गई कहाँ पर, उनके घर पे कब्जा करने के लिए, बैंक वहाँ गए तो पहले से 2 बैंक बैठी है वहाँ पर, समझ आया। और जो बंदा है वो जॉब जो करता था जॉब छोड़ दिया, इटली का बंदा था फ्रांस चला गया, फ्रांस वाला अमेरिका चला गया, अमेरिका वाला इंडिया आ गया, अब कहाँ पीछे उसके पीछे भागे, तो उन्होंने हाउसेस को कब्जा कर लिया, बैंक से क्या कर लिया, हाउस अपने पास ले लिया, और बहुत सारे हाउस सेल के लिए निकाल दिए। अब सेल निकाला तो गलती से समझ आता हूँ, जो घर इस टाइम ड्यूरेशन में 4 करोड़ का था समझो, अब आज प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, यही घर कितने का हो गया, 1.5 करोड़ का। अभी बेचेंगे तो बैंक को फायदा है कि नुकसान है, तो बहुत सारा पैसा कहाँ चला गया, लोगों के इस लेन देन में खत्म हो गया। और इसमें एक बहुत बड़ी बैंक हुआ करती थी, इसका नाम था लेहमान ब्रदर्स, और अब हमारे प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जो नए प्रेसिडेंट बने थे उस जमाने में 2007-8 बन तो गए थे, वन में ही 2 बार आए ये, इनको बोला जूनियर बुश बोला जाता है, क्या बोलते हैं इनको, नाम सुना है क्या, जूनियर नाम लगाते हैं, जूनियर बुश इसलिए बोला गया कि 90s में जब गल्फ वॉर हुई थी ना, तो इनके पापा जी थे ना वो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो बुश ने क्या किया, बुश के पास पैसा था नहीं, क्योंकि वो अफगान वॉर लड़ रहा था, अपने पापा का सपना पूरा कर रहा था, उसके पापा 90s में वॉर लड़ी थी, इसने बोला मैं मजा चखाऊंगा जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, उसको चांस मिल गया ट्विन टावर पे अटैक करने के बाद। जूनियर बुश ने ओके पैसा लगा दिया मोस्टली कहाँ पर, अफगान में। इसके बाद लेहमान ब्रदर्स के बैंक वाले लोग आए, बोले सर पैसे की बड़ी कमी पड़ रही है, थोड़ा पैसा हमको लोन दे दो। ये बोला मेरे खुद के आज लोन नहीं, पैसा नहीं है, मैं खुद वॉर में फंसा पड़ा हूँ, मैं तेरे को हेल्प कर सकता क्या, नहीं भाई मैं तुझे हेल्प नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, मैं समझिएगा, अभी इसने मना कर दिया, इसने अगले दिन बोल दिया मैं बैंकक्रप्ट हो गया। अब फिर से बैंक का गेम कैसे चलता है, एक बैंक पे दूसरी बैंक डिपेंड होती है, उस बैंक पे इंडस्ट्रीज डिपेंड होती है, इंडस्ट्रीज ने छोटे मोटे लोन ले रखे होते हैं, इंडस्ट्रीज के खुद के सैलरी के अकाउंट इसके अंदर होते हैं, बहुत सारे लोगों के पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, FDs होते हैं, सैलरी पेंशन, बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं। ये बैंक गिरा तो डोमिनो इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो सारे के सारे लोगों को फटका लगा इसका,
अच्छा बड़ी बैंक गिरी तो छोटी बैंक भी तो गिरेगी नहीं गिरेगी। अच्छा अमेरिका की बैंक गिर रही है, इसका इफेक्ट कहाँ हो रहा है? यूरोप की बैंक पे हो रहा है। यूरोप का मार्केट गिर गया तो एशियन मार्केट गिर गया, एशियन मार्केट गिर गया तो ऑस्ट्रेलियन मार्केट गिर गया, तो ऑल आर गोइंग थ्रू लाइक अ डोमिनोज इफेक्ट। ऐसे करते 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 एक स्लो डाउन आ गया मार्केट में, और ये टाइम पीरियड कौन सा था? 2008 स्टार्ट कब हुआ था? 2008 में आते आते जब ये मार्केट स्लो डाउन हुआ, आप सोचो इंडिया की बात करता हूँ समझ में आएगा, आज शेयर मार्केट चल रहा है 60,000 के आसपास चल रहा है, मालूम है ना? यही 60,000 तब कितना होगा? 7,000। आप सोच सकते हो कितना गिरा होगा मार्केट? उस समय 22,000 पे चल, 22-21,000 पे चल रहा था, धड़ाम करके गिरा 7,000 पे, और इंडिया उन कंट्रीज में था जिसमें सबसे कम नुकसान हुआ है। ऐसे कंट्रीज से जो रातों रात बर्बाद हो गए, मैं एग्जांपल देता हूँ, जिम्बाब्वे, नाम सुना है कि नहीं सुना? वहां पे एक लोफ ऑफ ब्रेड लेने के लिए उनका वन, उनका कंट्री का वन जिम्बाब्वे डॉलर वॉज इक्वल टू, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, वन अमेरिकन डॉलर वॉज इक्वल टू 40,000 जिम्बाब्वेन डॉलर। आपको एक वड़ा पाव खरीदना है ना, तो उसके लिए आप क्या करते थे? एक ब्रीफकेस भर के बैग लाते थे और रखते थे, ये ले भी ब्रीफकेस भर के बैग, एक वड़ा पाव दे, कैसा लगेगा? ये कंडीशन वहां आ गई, ये था लेहमैन ब्रदर्स का चांस।